लखीसराय में कई हार्डकोर नक्सली के आत्मसमर्पण की खबर है। लखीसराय जमुई सीमावर्ती के चौरमारा जंगल में हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा, नागेश्वर कोड़ा समेत 5 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर है। बताया जा रहा है कि सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को सीआरपीएफ कैंप में रखा गया है। फिलहाल इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो खबर लखीसराय से, जहां कई हार्डकोर नक्सलियों के आत्मसमर्पण की सूचना लखीसराय जमुई सीमावर्ती के चौरमारा जंगल में हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा, नागेश्वर कोड़ा समेत 5 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर है। बताया जा रहा है कि सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को सीआरपीएफ कैंप में रखा गया है। हालांकि इस मामले की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। तो लखीसराय से खबर, जहां कई हार्डकोर नक्सलियों के आत्मसमर्पण सरेंडर की खबर, 5 नक्सलियों के सरेंडर की खबर सामने आ रही है। सरेंडर किए सभी नक्सलियों को सीआरपीएफ कैंप में रखा गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक इनके सरेंडर की नहीं हो पाई है, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो बड़े नक्सली चेहरा और इनके सरेंडर करने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा, नागेश्वर कोड़ा समेत 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, 5 नक्सलियों के सरेंडर की खबर है, क्या कुछ वहां से और अपडेट जानकारी? संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखीसराय से। संजीव, 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, क्या अपडेट है वहां से? तो संजीव से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लखीसराय से खबर, जहां कई हार्डकोर नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर सामने आई है। बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा, नागेश्वर कोड़ा के सरेंडर करने की खबर सामने आई है। 5 नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर सामने आई है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि सरेंडर किए गए सभी नक्सलियों को सीआरपीएफ कैंप में फिलहाल रखा गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि सरेंडर की अब तक नहीं हुई है। संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, 5 नक्सलियों का सरेंडर करने की खबर है, क्या कुछ अपडेट वहां से? संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, 5 नक्सलियों के सरेंडर की खबर, क्या कुछ अपडेट वहां से? ये बहुत बड़ी खबर है, और जिस तरह से लगातार जो नक्सलियों के खिलाफ जो पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, उसमें ये पुलिस को सफलता मिली है। और अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन 3 नाम जो है वो कंफर्म आ रहे हैं कि नक्सलियों के बड़े नेताओं ने सरेंडर किया है। और ये जमुई लखीसराय का बॉर्डर इलाका है, चोरमारा जंगल बताया जा रहा है, वहां पर सीआरपीएफ को सीआरपीएफ के सामने इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा, नागेश्वर कोड़ा, ये 3 नाम जो है ये आ रहे हैं सामने। और जैसा कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है, और बाकी जो डिटेल है वो बाद में बताया जाएगा, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक है कि नक्सलियों के 3 बड़े नेताओं ने सरेंडर किया है पुलिस के सामने। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजीव।